हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आप भी कुछ इस प्रकार का हरी सिंह का एटीट्यूड टाटा क्रिएट करना चाहते हो तो गाइस वीडियो को बिना स्किप के इन तक देखना। तो गाइस कुछ इस प्रकार का एडिटिंग करने के लिए एलआर मोशन ऐप की जरूरत है, तो आपके पास एलआर मोशन ऐप नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल के रखा है, तो वहाँ पर आपको ज्वाइन होकर एलआर मोशन को डाउनलोड कर लेना होगा। ठीक है, तो चलिए गाइस बढ़ते हैं एडिटिंग की तरफ। जाने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया से दो प्रोजेक्ट को इनपुट करना है। ठीक है, ये इंडिया सीसी इफेक्ट और ये देसी कलाकार एटीट्यूड सॉन्ग बिडमार। ठीक है, इस दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है, तो वहाँ पर आपको एलआर मोशन पे इनपुट कर लेना है। एक से मेल लिंक होगा, आपको जरूर इनपुट करना आता ही होगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ से सामने आपको कुछ इस पर से इंटरफेस खुल के आ जाएगा बिडमार्क के अंदर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं बड़ा ड्यूरेशन वाला एक लेयर दिख रहा है नीचे, इस पर आपको एक फोटो ऐड करना है और यहाँ पर आपको छोटे छोटे ड्यूरेशन वाला फोटो देगा। तो यहाँ पर टोटल आपको चार फोटो यूज होगा, तो चार फोटो आपको 9 to 16 साइज होगा। तो आपको देख सकते कुछ इस पर आपको 9 to 16 साइज करना है। तो कैसे करना है, तो पहले आपको ऐसे बैग जाके प्लस होम पे क्लिक करके 9 to 16 साइज के एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद प्लस होम पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है जिस फोल्डर पे आपका फोटो है। फिर आपको एक फोटो सिलेक्ट करके थ्री डॉट पे जाके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, शेयर अकाउंट पे क्लिक करना है, यहाँ से नहीं शेयर अकाउंट पे क्लिक करके कॉन्फ्रेंस पीएनजी पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना होगा। तो यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 9 to 16 साइज फोटो है, तो यहाँ से आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चार फोटो को 9 to 16 साइज करना है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ से बैक करके मैं अगले के बाद यहाँ से दिखा देता हूँ आप लोगों की। तो आपको बिडमार्क पे आ जाना है, तो यहाँ पर नीचे आपको जो बॉर्डर ड्यूरेशन वाला लेयर दिख रहा है इस पर आपको टैप करना है, कलर फिल पे आना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से एलाइन मोशन को सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि आप एलाइन मोशन से 9 to 16 साइज किए हो तो आपको सारी फोटो एलाइन मोशन पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, सिर्फ एक फोटो का यहाँ से 9 to 16 साइज कर लेना है, फिर आपको प्लस होम पे क्लिक करके ऐड कर लेना है। तो आपको फोटो जो है सामने कुछ इस प्रकार से दिखेगा, फिर आपको यहाँ पर लेयर दिखाई देगा आगे, फिर आपको कहाँ तक आपको ये फोटो ऐड करना है, यहाँ पर आपको 11:2 सेकंड पर आ जाना है। यहाँ से आपको छोटे छोटे ड्यूरेशन वाला फोटो दिखाई देगा, तो इसमें आपको फोटो को ऐड करना है। तो फास्ट जो लेयर है उस पर टैप करना है, कलर फिल पर आना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है, यहाँ से आप लोगों को एक अलग फोटो चूज करना है और यहाँ से प्लान पर क्लिक करके ऐड कर लेना है। सेम तरीके से नीचे जो लेयर है उस पर भी टैप करके कलर फिल पर जाके टेक्स्ट पर जाके उसी फोटो को सिलेक्ट करके आप लोगों को ऐड करना है। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो लेयर है उस पर भी टैप करना है, कलर फिल पर आना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है, उसी फोटो को सिलेक्ट करके आप लोगों को ऐड करना है। फिर से नेक्स्ट लेयर पर टैप करना है, कलर फिल पर आना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है, उसी फोटो को सिलेक्ट करके आप लोगों को ऐड करना है। तो ये जो फोटो आपको कहाँ तक ऐड करना है, तो आपको आगे डबल मिरर दिखाई देगा 15:29 सेकंड से। तो 15:29 सेकंड से आपको ये फोटो ऐड करना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा फोटो 3, तो इसमें भी आपको फोटो चेंज करना है। डबल मिरर का मतलब ये है कि आपको फोटो को चेंज करना है। सेम तरीके से आपको आ जाना है, यहाँ से आप लोगों को एक अलग फोटो चूज करके आपको प्लान पर क्लिक करके ऐड करना है। सेम तरीके से नीचे जो लेयर है सेम तरीके से आपको यहाँ पर ऐड करते ही जाना है। ठीक है, फोटो को तो सेम तरीके से आपको ये फोटो आपको कहाँ तक ऐड करना है, तो यहाँ पर आपको और एक डबल मिरर दिखाई देगा आगे 19:21 सेकंड से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फोटो को चेंज सेम तरीके से लेयर पर टाइप करना है, कलर फिल पर आना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है, अलग फोटो सिलेक्ट करके ऐड करना है। तो कुछ इस बार से आपको डबल मिरर से आपको फोटो को चेंज करते ही जाना है। ठीक है, आपको यहाँ पर चार फोटो टोटल यूज होगा, तो चार फोटो यहाँ से ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, बैक जाके एडिया सीसी इफेक्ट पे आ जाना है। तो एडिया सीसी इफेक्ट पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पर आपको 7 लेयर दिखाई देगा, तो इस 7 लेयर को सिलेक्ट करके इस अकाउंट पे क्लिक करके कॉपी कर लेना है। तो ये 7 लेयर आपको बिटमार्क पे पेस्ट करना है, तो बिटमार्क पे आ जाना है, ये जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करके पेस्ट 7 लेयर कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते कुछ इस पार्ट से आपको वीडियो को इन तक करना है। तो कैसे करना है, फिर से आप लोगों को एक सेलेक्ट करना है मतलब 7 लेयर को, फिर आपको वीडियो को इन तक आ जाना है, नीचे जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आपको 7 लेयर को वीडियो को इन तक कर लेना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आइकन क्लिक करो और यहाँ से वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और गाइस आप हमारे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चले गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।